नमस्कार, हमारी खास पेशकश न्यूज एंड व्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। मैं गीत दीक्षित। और चलते हैं अब खबर की ओर, बात कर लेते हैं भाजपा में लोकसभा और तीन विधानसभा सीटों पर के उपचुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं और साथ ही निगम मंडल व आयोग नियुक्तियों की कवायद भी तेज हो गई है। बुधवार को सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत और सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा की बैठक हुई, जिसमें उपचुनाव की जिम्मेदारियों पर बात हुई। वहीं इसकी घोषणा 25 जुलाई को कर हो सकती है और साथ ही इस दिन पार्टी के प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव भी भोपाल आ रहे हैं राव के साथ, बाकी तमाम मसलों पर चर्चा होगी। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान और सीएम हाउस में हुई ओबीसी नेताओं व मोर्चे की बैठकों के बारे में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है और संगठन और सत्ता अब इस वर्ग के बीच सरकार ने राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा शुरू कर दी है। तो वहीं पार्टी सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय मंत्री कृपया सिंधिया की तरफ से उनके समर्थकों के लिए दबाव है, काफी लोगों को पद मिलेंगे, तो ऐसे में सिंधिया खेमे के जो लोग हैं उन्हें भी एडजस्ट करने पर जो है लगातार यहां पर बातचीत चल रही है और मंथन जो जा रही है। ये भी कैसे देखे इसको? देखिए, स्वाभाविक तौर से अगर अनन्या देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि मध्यप्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं, जो जिसको माना जा सकता है कि विधानसभा के आम चुनाव के पहले का सेमीफाइनल, उसको लेकर भाजपा और कांग्रेस कहीं ना कहीं एकजुटता के साथ लगे हुए हैं। तमाम नेता इस बात की चिंता कर रहे हैं कि आखिर किला कैसे फतह किया जाए, तो उसको लेकर तमाम बैठकों का दौर चल रहा है, चाहे कांग्रेस की बात कर लें चाहे भाजपा की बात कर लें। मुख्यमंत्री सदैव और उनके साथ जो संगठन के मुखिया हैं वीडी शर्मा, इस बात के लिए सदैव तत्पर रहते हैं कि कभी भी एक्शन मोड पे आना पड़े तो टीम तैयार रहती है। रही बात राजनीतिक नियुक्तियों की, राजनीतिक नियुक्तियां होना ये बात सच है, लेकिन उसके लिए पूरा अधिकार दोनों ही नेताओं के ऊपर है। खासकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को तय करना है कि निगम मंडल में किसको बिठाया जाएगा। वहीं संगठन में अभी प्रवक्ताओं की सूची आना बाकी है और मीडिया पैनलिस्ट की, तो उसके लिए भी वीडी शर्मा और सीएम के बीच में बात होना, साथ में संगठन के दो उनके सहायक जिनकी भूमिका में रहते हैं संगठन महामंत्री और हितानंद शर्मा, इनसे भी संवाद होता है। संवाद होने के साथ साथ नेताओं को किस तरह एडजस्ट किया जाए, बड़े नेताओं के जो नाम आते हैं उनको कैसे एक तरह समाहित कर लिया जाए, इसको लेकर मंथन होता है। और राजनीतिक मंथन ही मानते हुए इसको जो है ये माना जाएगा कि किसी तरह की किसी को नाराजगी ना रहे, सब एक साथ एडजस्ट हो सके, इसके तहत ही चर्चा हुई होगी। और ये चर्चा काफी मायने रखती है क्योंकि इस लिहाज से, क्योंकि अब चुनाव की आमद कभी भी हो सकती है और उसके पहले पूरी टीम, चाहे सरकार हो चाहे संगठन, दोनों मुस्तैद रहेगी। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुशील शर्मा जुड़ चुके हैं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए। सुशील शर्मा जी, स्वागत है बल तो कार्यक्रम में आपका। मैं सुशील जी आपसे पहले सवाल ये करना चाहूंगी कि बीजेपी के चार बड़े नेता यानी कि भाजपा के चार दिग्गज कल बैठे हैं और ऐसे में तमाम नियुक्तियों को लेकर जो है चर्चा हुई है, क्या लगता है कि अब आगे 25 जुलाई को सूची जो है वो आ जाएगी नियुक्तियों की? सुशील जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? संपर्क टूट चुका है हमारा, एक बार फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। बताते हैं आपको यहाँ पर कि भाजपा में चर्चाओं का दौर बिल्कुल जारी है और ऐसे में दोनों ही पार्टियां यानी कि भाजपा ही कांग्रेस में भी बैठकें चल रही हैं। अब फोकस जो है वो चुनाव है, गीत देखा जाए तो चुनाव जो है सामने खड़े हुए हैं, तीन उपचुनाव है, एक लोकसभा चुनाव है, कैसा लगता है, कह सकते हैं कि फिलहाल में जो SC ST वर्ग है उसको साधने में लगातार यहाँ पर दोनों ही पार्टियां दिख रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अगर एक लोकसभा की बात करें तो भाजपा के खाते में पहले से थी, त्रिवेंद्र कुमार चौहान जी की डेथ होने के बाद वो रिक्त हुआ स्थान, लेकिन वो परंपरागत सीट भाजपा की मानी जाती है। ये बात है कि अरुण यादव एक बार वहां से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन बेलगांव पर भी जो है भाजपा का परंपरागत सीट मानी जाती है। वहीं कांग्रेस की जो है जोबट और तफीपुर है, दोनों ही पार्टियों के पास दो दो सीट मान लें, अगर हिस्सेदारी की बात करेंगे तो दो दो सीटें हैं। लेकिन कांग्रेस अपनी ताकत लगा रही है कि अगर वो तीन कर लेती है तो उसको जीत, देखिए इसमें ना सरकार बदल सकती है ना सरकार बन सकती है, ऐसी परिस्थिति में दोनों ही दल ये चाहेंगे कि उनके खाते में सीटों का आंकड़ा बढ़ जाए। इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण बात मानी जाती है, क्योंकि अगर लोकसभा अगर कांग्रेस जीतती है तो उसकी मध्यप्रदेश में दो सीटें हो जाएंगी, और अगर कांग्रेस भाजपा जीतती है तो उनकी वो परंपरागत सीट पर अपनी कायम रखेंगे। साथ ही अगर तीन विधानसभा की बात करेंगे अनन्या, तो भाजपा के पास एक रहेगी तो कांग्रेस के पास दो थी, लेकिन अगर तीन के आंकड़ों को देखा जाए तो कांग्रेस चाहेगी कि वो तीनों जीत ले, मतलब एक और प्लस कर ले, भाजपा चाहेगी कि वो तीनों सीट पर अपना कब्जा। लेकिन जिस तरह संगठन के दृष्टिकोण से देखा जाता है, भाजपा हमेशा चुनाव के मोड में रहती है, लेकिन दमोह के बाद कोई ऐसी दोहरी गलती ना हो पाए, दोबारा ना हो पाए, इसकी चिंता ज्यादा जरूरी होगी भाजपा के लिए। हमारे साथ सुशील शर्मा जी का फिर जुड़ चुके हैं। सुशील शर्मा जी, आवाज पहुंच पा रही है तक हमारी? हेलो जी, आवाज आ रही है आपको?
जी 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 आप ये जानना चाहेंगे फिलहाल में कि जो बैठकें चल रही है भाजपा में, क्या लगता है कि इस वक्त किस मोड़ पर है भाजपा? चुनाव के लिए कवायद तेज हो चुकी है। हाँ, उपचुनाव की तैयारियों में लगी अभी तो, हालांकि चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है अभी तो, कैंडिडेट चयन होना है, बहुत सारी चीजें होना बाकी है, लेकिन उसके पहले जो सरकार की तैयारियां होती है कि वहां जिस तरीके का वोट बैंक है उनके संबंध में क्या घोषणाएं की जा सकती, क्या योजनाएं लाई जा सकती, अगर एससी वोटर ज्यादा है, एससी वोटर ज्यादा है, वो सारे गणित के आधार पर सरकार फिलहाल वो तैयारियां कर रही है। और संगठन अपने हिसाब से ये काम कर रहा है कि वहां पर कौन सा कैंडिडेट मुफीद हो सकता है, क्या जो जो विधायक दिवंगत हुए उनके परिवार को टिकट देने से फायदा होगा, या कोई नया फ्रेश कैंडिडेट लाने से पार्टी को जीत मिल सकती है या पार्टी की संभावना से, उस पर विचार चलता रहता है। सर्वे पर भी चर्चा हो रही है उनकी, सर्वे अभी दो सर्वे शायद हो चुके हैं, कुछ और सर्वे कराए जाए कि नहीं कराए, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के बाद माहौल एकदम से बदला है, तो वो सब चीजों पर पार्टी और सरकार दोनों ही चिंतन करते हैं। कांग्रेस भी उसी आधार पर काम कर रही, कल कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला भी है कि सर्वे हो चुके हैं और हम विचार कर रहे हैं कि क्या बेहतर हो सकता है, और जिस तरीके की रणनीति दमोह उपचुनाव में कांग्रेस ने अपनाई थी उसी रणनीति के आधार पे बाकी ये चार सीटों पर भी उपचुनाव लड़ा जाएगा, ये तैयार। देखिए सुशील जी, मैं इसी से जुड़ा एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, कल जिस तरह से सीएम हाउस में नेताओं की मेल मुलाकात हुई है, संवाद हुआ है, कहीं ना कहीं संगठन में प्रवक्ताओं की सूची जारी होनी है जो सरकार का चेहरा और संगठन का संगठन की बात रखने के लिए मौजूद रहेंगे, साथ ही राजनीतिक नियुक्तियां भी होना है निगम मंडलों में, और सबसे ज्यादा ये माना जा रहा है, जिसको कयास लगाया जा रहा है कि एक बार फिर जो है सिंधिया खेमा इस पर भारी पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि क्या इस बार भी सिंधिया कैंप ज्यादा रहेगा या इस बार दूसरे नेताओं को ज्यादा अच्छे से एडजस्ट किया जाएगा? ये सिंधिया खेमा और उपचुनाव दोनों अलग अलग बातें हैं। उपचुनाव जो हो रहा है वो सिंधिया के वर्किंग क्षेत्र के बाहर हो रहा है, सिंधिया के प्रभाव क्षेत्र के बाहर के एरियाज में हो रहा है चुनाव, तो वो उसका प्रभाव तो नहीं होगा। बाकी निगम मंडल में ये स्वाभाविक है कि जो पहले जो शर्तें तय हुई होंगी उस आधार पर पार्टी काम करने की कोशिश करेगी, हालांकि संख्या सीमित है निगम मंडल में भी, क्योंकि बहुत सारे लोग मंत्रिमंडल में एडजस्ट नहीं हो पाए हैं, तो उसमें शिवराज के भी लोग हैं, कैलाश विजयवर्गीय के भी लोग हैं, बाकी अन्य बड़े नेताओं के भी समर्थक होंगे, उन सबके बीच में फिर सिंधिया के समर्थक को एडजस्ट करना चुनौती तो है, दबाव भी होगा, वो सभी का दबाव होगा, एक का नहीं होगा। शिवराज जी अपने लोगों को भी, अपने समर्थकों को भी सेट करेंगे, जैसा कि बुधनी के कई लोगों को पहले जो है निगम मंडल में नियुक्तियां मिलती रही हैं, वहां से कितने लोगों में, कहां से कितने, वो सब चीज। और लेकिन इस सब के बीच में ये भी देखना होगा कि उपचुनाव वाले क्षेत्रों से तो कहीं नियुक्तियां नहीं करते, क्योंकि होता यह है कि अगर एक अनार तो बीमार वाला मामला होगा तो स्वाभाविक है कि जिसको टिकट नहीं दे रहे हैं उसको निगम मंडल ही एकमात्र रास्ता बचता है, या फिर संगठन। ठीक बात है, तो कहाँ एडजस्ट कर रहे हैं वो तय कर रहे हैं जी। दूसरा सुशील जी, एक बात और समझने की इच्छा है कि अगर दो कांग्रेस के खाते में विधानसभा सीटें थी तो एक भाजपा के खाते में थी, और लोकसभा की बात करें तो वो भाजपा के खाते में थी, लेकिन दमोह से सबक लेके भाजपा इस बार जो हर मजबूती रख रही है, संगठन को और मजबूत करने पर लगी हुई है, लेकिन जैसे अगर तासीरों की बात करेंगे सुशील जी, तो एक बुंदेलखंड की सीट है, एक विंध्य की सीट है, एक मालवा की है, और एक लोकसभा की बात करेंगे तो मालवा निमाड़ की सीट है। तासीर सबकी अलग अलग, जातिगत गणित अलग अलग, और कैंडिडेट्स की भीड़ ज्यादा, खासकर अगर बात करूंगा तो पृथ्वीपुर में भाजपा के लिए थोड़ी सी चुनौती ज्यादा है, क्योंकि वहां उनके बाद भाजपा कैंडिडेट कई नाम सामने निकल कर आ रहे हैं। इसी तरह अगर जोबट की बात करेंगे तो जोबट का भी यही हाल है। वहीं अगर रेगांव की बात करेंगे तो रेगांव में जुगल किशोर भागरी के बेटे और उनके तमाम जो रिश्तेदार हैं उनको लेकर दौड़ भाग चल रही है। वहीं अगर खंडवा लोकसभा की बात करेंगे तो कैलाश जी से लेकर कृष्ण मुरारी मोगे, अर्चना चिटनिस कई नाम है। ऐसे में क्या लगता है कि ये जो माथापच्ची हो रही खासकर कांग्रेस भाजपा में, जैसा आपने कहा है कि दिवंगत परिवारों में से ही टिकट दिया जाएगा या जिताऊ कैंडिडेट को लोग तवज्जो ज्यादा देंगे? नहीं देखिए, अब ये जीत हार का कोई सेट फार्मूला अब रह नहीं गया। हमने ये भी देखा है कि परिवारवाद पर टिकट दिए गए तो वो भी हारे हैं जी, और परिवारवाद से हट के टिकट दिए गए तो वो भी हारे हैं। ये तो उस समय के हालात और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे कोरोना की पहली लहर के बाद जब 28 उपचुनाव हुए थे तब उसमें जो है 33% जो है कांग्रेस का प्रदर्शन रहा था, तो एक बहुत कमजोर प्रदर्शन था। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को अच्छी जीत मिल गई, तो ये पूरा। और आप जी की अब क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी तक चुनावों की घोषणा नहीं हुई है, उस समय क्या मुद्दे एक्टिव होंगे,
क्या स्थितियां होंगी उस पर बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि तात्कालिक परिस्थितियां ऐसे उपचुनाव में जीत हार में निर्णायक ज्यादा होती हैं। तो जिस तरीके से हमने ये देखा दूसरी लहर में, लहर के दौरान जो सरकार की जो लापरवाहियां थी या सरकार को लेकर उपेक्षा या सरकार ने जिस तरीके से काम किया तो उस पर लोगों में आक्रोश था, तो उसका उसी का परिणाम हमने देखा कि 17,000 से जीत मिली, जबकि जो भी अब 2,000-2,000 से जीत हार वाली सीट में इतना बड़ा अंतर आया। तो ये बहुत डिपेंड करता है, अगर तीसरी लहर चल रही होगी उस समय चुनाव होगा तो सरकार के लिए ज्यादा खतरा होगा। यदि ऑक्सीजन वाला मुद्दा चूंकि अभी आ गया, ये अगर चुनाव के दौरान आता, उपचुनाव के दौरान ये जवाब आता तो मुझे लगता है सरकार को लेने के देने पड़ सकते थे, क्योंकि लेकिन चूंकि ऑक्सीजन में जिस तरीके से सरकार का जवाब, इस तरीके के जवाब चुनाव के दौरान नुकसान कर सकते हैं, लेकिन ये तब तक जीवित रहेगा या मुद्दा कि नहीं, ये बड़ा सवाल। ठीक बात है, इस समय अगर देखा जाए तो बयानों के दौर में अगर कोई ऐसा मुद्दा आता है जो सरकार पर भारी पड़ेगा तो वो चुनाव के दौरान आया तो और भारी पड़ सकता है। लेकिन एक अंतिम प्रतिक्रिया और लूंगा सुशील जी, क्या सबसे बड़ी बात जो जानने और समझने की है कि अगर जैसे आपने तीसरी लहर के दौरान के चुनाव की बात करी, ये बात तो ठीक है, मुफीद बात समझ में आती है कि अगर तीसरी लहर के बीच में चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए थोड़ा सा संकट भरा हो सकता है। लेकिन इससे एक बात और जानना चाहूंगा, क्योंकि दमोह का आपने बहुत गहराई से अध्ययन किया था और आंकड़ों के साथ बात करी थी, लेकिन अगर ये देखा जाए कि अगर जातिगत प्रकरण अरुण यादव के बारे में कमलनाथ ने कहा था, और एक तरह से उसको इनडायरेक्टली मैं कहूंगा तो इग्नोरेंस की जैसी भाषा थी कि मेरे से अभी तक टिकट को लेकर बात नहीं की है, तो क्या अरुण यादव को नजरअंदाज भी किया सकता है कांग्रेस में? नहीं, ये तो नजरअंदाज किया ही गया है ना। एक वर्तमान अध्यक्ष, एक पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के एक बड़े दिग्गज नेता का पुत्र यदि चुनाव की तैयारियां कर रहा है, लंबे समय से कर रहा है, ठीक बात, और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को मालूम ही नहीं है, तो ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो है अपने दायरे में है, उनको मालूम ही नहीं कि मध्य प्रदेश में कहां क्या हो रहा है। जिस तरीके का जवाब पत्रकार वार्ता में कमलनाथ जी ने किया, इसकी कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि इस तरीके का जवाब भी आएगा। हमको ये ज्यादातर यही होता है ऐसे मामलों में, मजा हुआ नेता यही बोलता है, हाँ सब दावेदारी करते हैं, टिकट देखेंगे जिसको मिलेगा। तो ये मान के चले सुशील जी कि एकला चलोरे पे चल रही कांग्रेस? नहीं, मैं एकला चलो वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ उस कल जो सवाल जवाब में जो जवाब आया था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक बात, एकला चलो वाला मामला तो अभी देखिए, अभी बहुत मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस तरीके का 28 उपचुनाव में कांग्रेस एक दिखी थी, अच्छी मेहनत की थी कांग्रेस ने, परिणाम अनुकूल नहीं आया, दमोह में भी हमने देखा था, लेकिन उसके बाद से अब जो ट्वीट जो चल रहे हैं, चाहे वो अरुण यादव कर रहे हो हमले ट्वीट पे, चाहे अजय सिंह कर रहे हो, जिन तरीके से ग्वालियर में एक नेता को कांग्रेस में ज्वाइन कराया था उसको लेकर जिस तरीके की बयान, ये स्वाभाविक है कि अंतर विरोध चल रहा है, लेकिन अंतर विरोध सतह पर ऐसे भी दिखेगा कि एक वर्तमान अध्यक्ष एक पूर्व अध्यक्ष की इतनी उपेक्षा कर देगा कि वो अनजान बने हुए जवाब देगा, तो ये बड़ा आश्चर्यजनक, इसका मतलब कांग्रेस में अब अंदर सिर्फ अटकपन फिर से शुरू हो गया है एक बड़े नेता को खोने के बाद की। ठीक बात जी, बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए तमाम चर्चा के लिए। तो बताते हैं आपको यहाँ पर कि यहाँ पर देखा जाए तो भाजपा में कवायद तेज है, किस चीज को लेकर, यहाँ सलामी नियुक्तियों को लेकर और चुनाव की तैयारियों को लेकर कवायद तेज है। ऐसे में अब बात कर लेते हैं दूसरी खबर की, सरकारी खजाने पर तेजी से बढ़ते वेतन भत्तों का बोझ कम करने के लिए शिवराज सरकार फर्लो स्कीम मध्य प्रदेश सिविल सेवा योजना 2002 ला रही है। इसके तहत कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी 5 साल के लिए खुद को बिजनेस या देश विदेश में किसी निजी कंपनी में नौकरी कर सकेगा और इस अवधि के दौरान सरकार उन्हें आधा वेतन देगी। इसलिए वित्त विभाग ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और जिसे जल्द ही मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा जाएगा। तो वहीं जिसे लागू करने का अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का होगा और मंत्रालय सूत्रों के अनुसार सरकार की मंशा आर्थिक संकट से जूझ रही मध्यप्रदेश सरकार खर्च कम करना और कर्मचारियों के वेतन भत्ते का बोझ कम करना है और योजना के तहत प्रदेश में लागू 20-50 फॉर्मूला जो अपनाया जाएगा। योजना में कर्मचारी की सेवा अवधि 20 साल अथवा आयु 50 साल पूरी होने पर योग्यता व स्वास्थ्य कारणों से टीआरएस देना शामिल होगा और साथ ही इसका फायदा यह होगा कि कई कर्मचारी 5 साल के लिए छुट्टी पर चले जाएंगे, इस दौरान उन्हें इंक्रीमेंट नहीं देना पड़ेगा और सबसे खास बात यह कि इसी अवधि में विधानसभा एवं लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे और जिससे कर्मचारी नाराज नहीं होगा और वोट बैंक भी प्रभावित नहीं होगा। अब देखा जाए तो फर्लो स्कीम जो है यहाँ पर सरकार लाने जा रही है, क्या लगता है ये जी इस स्कीम के बाद
क्या मध्य प्रदेश जनता को फायदा हो जाएगा? देखिए नन्हे, सबसे बड़ी बात है कि दो बातें, अगर ये स्कीम लागू होती दो बातें महत्वपूर्ण सामने आएंगी। सरकार जिनको, जिन कर्मचारियों को अपनी सेवा से एक तरह से हटाना चाहती है, उनके लिए स्कीम महत्वपूर्ण होगी। और जो आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है, लगातार कर्जा बढ़ता जा रहा है, आपको बता दूं कि कर्जा इतना ज्यादा हो चुका है कि अब उसको कैसे समाहित किया जाएगा और कैसे उसका संतुलन बनाए रखेगा, इस कारण मुझे लगता है ये स्कीम को लागू करने की योजना होगी। और इसमें सबसे बड़ी बात है अनन्या ये है कि अगर कर्मचारी 5 साल की छुट्टी पर जाता है तो उसको उस दौरान का वेतन नहीं मिलेगा, उसको जो है पीएफ जमा नहीं होगा, मतलब इसको कहेंगे विदाउट पे आप अवकाश पर जा सकते हैं, बिजनेस कर सकता है आदमी। ये अगर सुविधा दी तो कर्मचारी के हित की बात होगी। और जहां तक ये बात भी समझ में आ रही है कि कर्मचारी जो लगातार नाराज रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं थोड़ी संतुष्टि का भाव आएगा सरकार के प्रति कि सरकार उनको लंबी छुट्टी पर भेज सकती है। लेकिन ये कितनी कारगर साबित होगी और कितनी जमीनी स्तर पर जो इसका विचार चल रहा है, जो लाल फीताशाही ने इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया है, वो कितना मौजूद साबित होगा, ये तो जब लागू होगी और जब इसका असर देखने को मिलेगा और कर्मचारी में कितनी संतुष्टि और सरकार को कितना लाभ होगा, ये तो जब तक लागू नहीं होगी तब तक कुछ कहा जाना कहना जाना बहुत जल्दबाजी होगी। हमारे साथ फोन लाइन पर रवि अवस्थी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। रवि अवस्थी जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आपसे ये जानना चाहूंगी मैं कि क्या लगता है कि पढ़ू स्कीम जब आ जाएगी मध्यप्रदेश में तो कितना फायदा यहाँ की सरकार को और जनता को होगा? अनंदन जी, दरअसल ये स्कीम जनता के फायदे के लिए है जी, क्योंकि ये तो कर्मचारियों को लाभान्वित करने के लिए। अगर आप मध्यप्रदेश की बात करें तो मध्यप्रदेश में 2002 में तत्कालीन जो दिग्विजय सिंह सरकार थी उसने ये स्कीम लेकर आई थी। हालांकि ये जो फरलाव स्कीम है ये मतलब अमेरिका या ब्रिटेन में लागू है लंबे समय से, और उसी को जस का तस जो है मध्यप्रदेश में दिग्विजय सिंह लेकर आए थे। और उसमें ये सुविधा कर्मचारियों को दी गई थी कि वो 5 साल जो है अपना मनमाफिक जॉब कर सकते हैं, इस दौरान उन्हें पेंशन मिल की सुविधा रहेगी, अनकंपा नियुक्ति की सुविधा रहेगी, और हालांकि इंक्रीमेंट नहीं होगा लेकिन बाकी जो तमाम सुविधाएं कर्मचारियों को मिलती है वो मिलती रहेगी। इसके अलावा आधा वेतन जो है सरकार देगी। तो इससे मैं, क्योंकि मौजूदा दौर में इस समय अगर देखा जाए तो मध्यप्रदेश सरकार क्योंकि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद आर्थिक संकट से लगातार जूझ रही है। अगर आप देखें तो पिछले 15 महीने में ही जो है करीब 42,000 करोड़ का कर्ज सरकार ले चुकी है, और जो कर्ज है वो कहीं ना कहीं मध्यप्रदेश का जो कुल बजट है इस साल का 2,41,000 करोड़ का, उससे ज्यादा हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर वित्त विभाग ने 5 अगस्त को एक सर्कुलर जारी करा है, उसमें यही कहा गया है कि भाई ये फर्लो स्कीम को लागू किया जाए, जिसमें अगर जो कर्मचारी चाहें तो वो 5 साल के लिए विदेश या दूसरी नौकरी में जा सकते हैं, जो भी वो करना चाहें। तो इस दौरान जो है जो सुविधाएं फर्लो स्कीम के तहत दी जाती हैं वो देती रहेंगी सरकार। और सरकार का ये मानना है कि इससे 6 से 7 हजार करोड़ की बचत हो पाएगी। उसका अनुमान है कि करीब 1.5 लाख कर्मचारी जो है वो इस स्कीम का फायदा उठाएंगे। और इसका एक इसके लिए भी एक दबाव बनाने के लिए कहीं ना कहीं एक और फार्मूला भी चर्चा में है कि 20-50 के जो फार्मूला सरकार लागू करती रही है, या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का, वो भी उसको भी फोर्सफुली लागू किया जाएगा, ताकि कर्मचारी अगर ये नहीं मानते हैं तो वो फर्लो को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन तो तमाम जो प्रयास है वो कवायद वो यही है कि कैसे खर्चे से बचा जाए, क्योंकि मध्यप्रदेश के कुल बजट का करीब 40% जो है स्थापना व्यय है। रवि जी नहीं, लेकिन रवि जी एक चीज मैं और समझना चाह रहा था कि जैसे 20-50 का फार्मूला तो समझ में आ रहा है, जिसकी नौकरी 20 साल की हो गई या जो अपनी आयु 50 साल पूरी कर चुका है वो भी आरएस लेने का पात्र रखेगा। लेकिन वही सरकार जो है सेवानिवृत्ति की सीमा जो बढ़ाती जा रही है, कई विभागों में बढ़ी है, ऐसी परिस्थिति में क्या ये स्कीम फर्लो स्कीम इसका फायदा होगा? तो क्या इसको वोट बैंक की राजनीति से भी जोड़कर देख सकते हैं उस आईने से, उस चश्मे से? देखिए बिल्कुल, देखिए चूंकि देखिए अब ये आगामी 2.5-3 साल के दरमियान 2023 में विधानसभा है, 2024 में लोकसभा के चुनाव है, और सरकार नहीं चाहेगी कर्मचारी संगठन है, कर्मचारी वर्ग जो है नाराज हो, और जो जिन्हें बताता है भाई अब देखेंगे कि पिछले कुछ समय से जो है कर्मचारी संगठन लगातार दबाव बना रहे हैं, तो केंद्र सरकार की तरफ से अभी महंगाई भत्ता 27% 28% कर दिया गया है, और मध्य प्रदेश में वो अभी 12% ही मिल रहा है।
16% कहीं ना कहीं कम मिल रहा है। इसी तरह सातवें वेतनमान में इंक्रीमेंट नहीं हुए हैं कई लोगों के, कई संवर्गों में। तो निश्चित तौर पर एरियाज को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। तो अब कर्मचारी संगठन जो है लामबंद भी हो रहे हैं और वो आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। तो सरकार पर दबाव बन रहा है कि कैसे महंगाई खर्च को कैसे कम किया जाए। एक तरफ कर्ज की स्थिति है, दूसरी तरफ कर्मचारी संगठनों को सरकार नाराज नहीं करना चाहती क्योंकि चुनाव भी उन्हीं से करा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में जो असंतुष्ट कर्मचारी हैं उनको एक अवसर दिया जा रहा है कि भाई ठीक है आप ये 5 साल इस स्कीम का लाभ उठाइए, इस दरमियान चुनाव भी हो जाएंगे और सरकार की बचत भी हो जाएगी। एक आखिरी प्रतिक्रिया और लेना चाहूंगा रवि जी, ये स्कीम जो है जिले से लेकर वल्लभ भवन तक भी लागू होगी, लेकिन इसमें क्या, चूंकि आपने कहा है कि वित्त विभाग ने आदेश मतलब एक तरह से सर्कुलर निकाला है, तो इसके दायरे में श्रेणी में पूछना चाहता हूं कि निम्न श्रेणी, फिर मध्यम श्रेणी, फिर उच्च श्रेणी, इन तमाम अधिकारी शामिल होंगे इसमें, इस स्कीम में? देखिए मैं जी बिल्कुल, क्योंकि योजना तो सभी कर्मचारियों के अधिकारियों के लिए है और जहां तक संवर्ग की बात है तो स्वाभाविक तौर पर जो अपर क्लास है, मैं प्रथम श्रेणी है, द्वितीय श्रेणी है, यही लोग जो है इनको मनमाफी किसी कारपोरेट कंपनीज में जॉब मिल जाए। क्योंकि अगर आप 5 साल घर बैठ के आधी तनख्वाह तो ले नहीं सकते, आपको दूसरा काम करना है। तो कर्मचारी तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी में ऐसा बहुत कम परसेंटेज होगा जो ये जोखिम उठाने की कोशिश करेंगे कि आधा वेतन पर वो अपना काम करते रहें। तो निश्चित तौर पर जब उन्हें कोई दूसरी आय होगी तभी वो रिस्क उठाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये इससे ज्यादा लाभान्वित होने वालों में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के, हालांकि प्रथम श्रेणी पे लागू नहीं होता है लेकिन द्वितीय श्रेणी पर जो है मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पे, राज्य सरकार के अधिकारी हैं वो उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद रवि बुक्की जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। तो बता दें आपको यहाँ पर फेलोशिप स्कीम जो है मध्य प्रदेश सरकार लाने जा रही है और ऐसे में देखना यह है कि अंतिम निर्णय सीएम शिवराज सिंह चौहान का होगा, वो लागू करते हैं इस योजना को या नहीं। तो हमारी खास पेशकश न्यूज़ ने फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।